दोस्तों जब से LIC ने अपना नया प्लान जीवन उत्सव लॉन्च किया है तब से इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में भी शंका है कि कौन सा प्लान बेटर है, जीवन उत्सव बेटर है या फिर जीवन उमंग। और वहीं पर कस्टमर के दिमाग में भी यह सवाल चल रहा है कि कौन सा प्लान हमें लेना चाहिए, क्या जीवन उत्सव प्लान बेटर है जिसमें 10% गारंटीड रिटर्न मिल रहे हैं या फिर जीवन उमंग प्लान बेटर है जिसमें 8% गारंटीड रिटर्न मिल रहे हैं। तो आप सभी दर्शक बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप अपने कस्टमर को जाके किस तरीके से, अगर आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछे, किस तरीके से आप उसको कंपैरिजन करके बताएं कि कौन सा प्लान बेस्ट है। और अगर आप एक ग्राहक हैं, एक कस्टमर है और अपने लिए कोई प्लान सर्च कर रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या मुझे जीवन उत्सव प्लान में जाना चाहिए या फिर जीवन उमंग प्लान में जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव में से कौन सा प्लान आपने सबसे ज्यादा बेचा है, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं दोनों प्लान के कंपैरिजन की। दोस्तों जब से प्लान लॉन्च हुआ है बार बार यही दिमाग में आता है कि यार कस्टमर को कौन सा प्लान बताऊं, जीवन उत्सव बताऊं या फिर जीवन उमंग प्लान कस्टमर को बताऊं। कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर भी सवाल पूछता है कि यार जीवन उत्सव प्लान में तो 10% गारंटीड रिटर्न है और जीवन उमंग में 8% गारंटीड रिटर्न है, तो मैं 8% वाले प्लान में क्यों जाऊं। तो वीडियो से जुड़े रहें। देखिए दोस्तों सबसे पहला कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन उमंग जो प्लान है ये जीवन उमंग प्लान 2020 में लॉन्च किया गया था जबकि जीवन उत्सव प्लान अभी नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ है। दोनों प्लान में जो एंट्री एज है वो 90 डेज है, यानी कि जीवन उमंग प्लान में भी आप 3 महीने के बच्चे के लिए जीवन उमंग प्लान ले सकते हो और जीवन उत्सव प्लान भी आप 3 महीने के बच्चे के लिए ले सकते हो। अब दोस्तों बात आती है कि जीवन उमंग और जीवन उत्सव में क्या डिफरेंस है। जीवन उमंग में जो एंट्री एज है मैक्सिमम वो 55 ईयर है और जीवन उत्सव में जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 65 ईयर है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की एज 56 ईयर है या 57 ईयर है तो वो जीवन उमंग प्लान नहीं ले सकता है। तो ऐसे कस्टमर को जिनकी एज 55 साल से ज्यादा है उनको आप जीवन उत्सव प्लान दे सकते हो क्योंकि जीवन उत्सव प्लान में मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर रखी गई है। अब बात आती है कि भाई कौन से प्लान में कितना समय श्योर रखा गया है। तो जीवन उमंग प्लान वो व्यक्ति भी ले सकते हैं जिनको कम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि मिनिमम समय श्योर जीवन उमंग में 2 लाख रखा गया है और जीवन उत्सव में मिनिमम समय श्योर 5 लाख रखा गया है। अगर किसी को 2 लाख समय श्योर की पॉलिसी लेनी है तो उसके पास जीवन उत्सव का ऑप्शन नहीं है क्योंकि जीवन उत्सव में आपको मिनिमम 5 लाख समय श्योर की पॉलिसी लेनी होगी। अब बात आती है पॉलिसी टर्म कि भाई पॉलिसी टर्म कितनी होगी। चूंकि ये दोनों पॉलिसी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो दोनों का इंश्योरेंस कवर 100 ईयर तक चलेगा, तो पॉलिसी टर्म 100 माइनस एंट्री एज। अगर किसी व्यक्ति ने 30 साल की एज पर पॉलिसी ली है तो उसका पॉलिसी टर्म 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ईयर्स होगा। इसी तरीके से जीवन उत्सव में भी सेम यही फॉर्मूला चलता है, 100 माइनस एंट्री एज, राइट। अब बात आती है दोस्तों कि दोनों पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है। जीवन उमंग में जो प्रीमियम पेइंग टर्म रखी गई है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। वहीं पर जीवन उत्सव पॉलिसी में जो पॉलिसी की टर्म है प्रीमियम पेइंग टर्म वो 5 साल से लेके 16 साल रखी गई है। अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन है, जीवन उत्सव। जीवन उमंग में वो नहीं जा सकता क्योंकि जीवन उमंग में मिनिमम पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना हुआ था कि कौन सी पॉलिसी में जाना चाहिए, दोनों पॉलिसी का पर्पज ही अलग है। दोनों पॉलिसी अलग अलग लोगों के लिए है क्योंकि एक ही पॉलिसी में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती है। जिसको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है वो जीवन उत्सव में जा सकता है और जिसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है वो जीवन उमंग में जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। दोस्तों मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जीवन उमंग में रखी गई है 100 ईयर, यानी कि 100 साल पर जीवन उमंग पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और कस्टमर को मैच्योरिटी अमाउंट जो भी उसका बनता है वो मिल जाएगा। वहीं पर जीवन उत्सव पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ आपको समय श्योर का 10% गारंटेड मिलता जाएगा। अब दोस्तों
प्रीमियम किस मोड पर दे सकते हैं। दोनों पॉलिसी में सेम प्रीमियम मोड रखा गया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। आप चाहें तो मंथली करा सकते हैं, मंथली में आपको नेच यानी कि ईसीएस मैंडेटरी होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली भी आप सभी पॉलिसी में करा सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि भाई पेंशन ऑप्शन कौन कौन से रखे गए हैं दोनों पॉलिसीज में। तो जीवन उमंग पॉलिसी में सिर्फ एक ही पेंशन ऑप्शन है, इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। अगर आप 15 साल की टर्म लेते हैं तो 15 साल के बाद आपको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी हर साल, और ये 100 साल तक मिलती रहेगी। वहीं पर जीवन उत्सव पॉलिसी में दो टर्म रखी गई है, ऑप्शन रखे गए हैं, दोनों पेंशन ऑप्शन है। पहला पेंशन ऑप्शन है रेगुलर इनकम बेनिफिट और दूसरा पेंशन ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। यानी कि रेगुलर इनकम बेनिफिट सेम इसी तरीके से है जैसे जीवन उमंग में है, यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको 18 मिनिमम जो पेंशन स्टार्ट एज है वो 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद आपको रेगुलर हर साल पैसा मिलता रहेगा 100 ईयर तक। लेकिन फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जो है ये बिल्कुल अलग है। ऐसे कस्टमर्स जो हर साल पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना पैसा LIC के पास में छोड़ सकते हैं, LIC उनके पैसे के ऊपर 5.5% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे करती जाएगी। अब दोस्तों गारंटीड एडिशन कितना मिलता है। जीवन उमंग पॉलिसी में पॉलिसी जब मैच्योर होती है 100 ईयर पर उस टाइम पर बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है, लेकिन जीवन उत्सव पॉलिसी में जो गारंटीड एडिशन है वो 40 रुपीज पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अप टू प्रीमियम पेइंग टर्म। यानी कि जितने साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है उतने साल का कस्टमर को गारंटीड एडिशन दिया जाएगा 40 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात आती है कि पेंशन स्टार्ट एज कितनी है। तो जीवन उमंग पॉलिसी में मिनिमम पेंशन स्टार्ट एज 30 साल, यानी कि 30 साल की एज से कम एज पर पेंशन नहीं मिलेगी। वहीं जीवन उत्सव प्लान में मिनिमम जो पेंशन स्टार्ट एज है वो 18 ईयर्स रखी गई, 18 साल से पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएगी। गारंटीड बॉन्ड पर कितना लिखा हुआ मिलेगा दोनों पॉलिसीज में, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ये होती थी कि हमें ऐसा कोई प्लान चाहिए जिसमें हमें गारंटीड बॉन्ड पर लिखा हुआ मिले। तो जीवन उमंग और जीवन उत्सव दोनों पॉलिसीज में उनके बॉन्ड पर, कस्टमर के बॉन्ड पर गारंटीड अमाउंट लिखा रहेगा। जीवन उमंग पॉलिसी में लिखा रहेगा 8% गारंटीड ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, और वहीं पर जीवन उत्सव में लिखा रहेगा 10% गारंटीड ऑन बेसिक सम एश्योर्ड, ये उनके पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा रहेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर कि भाई हमने ये तो समझ लिया कि कौन पॉलिसी को ले सकता है, किस एज में ले सकता है, दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिसकी एज 30 साल है और वो 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो उसको जीवन उमंग में कितना मिलेगा और जीवन उत्सव में उसको कितना मिलेगा, कितना पैसा उसने जीवन उमंग में पे किया और कितना पैसा वो जीवन उत्सव में पे करेगा, कितना डेथ कवर, अगर उसकी डेथ 60 साल पे होती है तो जीवन उमंग में उसको कितना मिलेगा उसके नॉमिनी को, और जीवन उत्सव में अगर उस कस्टमर की डेथ 60 साल पर होती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कस्टमर की डेथ जीवन उमंग में 70 साल पर होती है तो उसके नॉमिनी को कितना मिलेगा, और अगर वहीं पर जीवन उत्सव प्लान में कस्टमर की डेथ 70 साल पर होती है तो उसके नॉमिनी को कितना मिलेगा, पूरा आइए डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है एक एग्जाम्पल जिसमें एक कस्टमर है रमेश, रमेश की एज 30 साल है और रमेश 5 लाख सम एश्योर्ड की जीवन उमंग पॉलिसी भी लेता है और जीवन उत्सव पॉलिसी भी लेता है। जीवन उत्सव पॉलिसी में जो प्रीमियम कैलकुलेट करके बैठता है 30 साल की एज पर, जिसमें टर्म 15 साल रखी गई है, तो 15 साल की टर्म पर प्रीमियम बैठता है 35,164, इसमें टैक्स इंक्लूड है, 4.5% जीएसटी इंक्लूड है, 35,164 रुपए, और सेकेंड ईयर से जो प्रीमियम होगा वो 34,407 34,407, ये भी इंक्लूडिंग टैक्स है। वहीं पर अगर हम देखें जीवन उमंग में तो जीवन उमंग में जो प्रीमियम बैठता है वो बैठता है 41,300 रुपीज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 40,411 रुपीज, ये भी टैक्स मिलाकर है। तो यहां पर जो हमने फर्क पाया वो पाया कि जीवन उमंग में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, राइट। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि इनकम कब से मिलनी स्टार्ट होगी। तो जीवन उत्सव प्लान में 18 साल बाद से इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रमेश की एज 30 साल है तो 30
और 18 साल के बाद पेंशन मिलेगी, तो जब उसको पेंशन मिलेगी तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 48 ईयर्स, 48 साल उसकी एज हो जाएगी। तो 48 साल से लेके 100 साल तक उसको ईयरली पेंशन मिलती रहेगी। ये लाइफ लॉन्ग पेंशन कितनी मिलेगी, सम एश्योर्ड का 10%, और सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए हर साल रमेश को जीवन उत्सव पॉलिसी में इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी 48 ईयर से लेके 100 ईयर तक, राइट। और इसमें पॉलिसी टर्म कितनी होगी, पॉलिसी टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 100, क्योंकि इंश्योरेंस 100 ईयर तक चलेगा, 100 माइनस एंट्री एज, तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70, तो पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स है, राइट। यानी कि अगले 70 साल तक उसकी पॉलिसी चलती रहेगी, 30 साल उसकी एज है प्लस 70 साल और चलेगी, तो 100 साल तक उसकी पॉलिसी चलती जाएगी। तो टोटल जो प्रीमियम पे किया रमेश ने जीवन उत्सव प्लान में, 5,16,862 रुपए रमेश ने टोटल अमाउंट पे किया है। अब समझते हैं जीवन उमंग प्लान में। जीवन उमंग प्लान में जो इनकम स्टार्ट होती है वो 15 साल तक तो प्रीमियम पे करना है, 15 साल के बाद यानी कि 16वें साल से लेके 100 ईयर तक उसको इनकम मिलती रहेगी। और इनकम कितनी मिलेगी, गारंटेड 8% ऑफ सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख का 8% 40,000 रुपए हर साल रमेश को 16वें साल से लेके 100 ईयर तक, 100 साल तक उसको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी 40,000 रुपए हर साल। पॉलिसी टर्म वही 70 साल है, क्योंकि 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ईयर्स, तो 70 साल तक उसका इंश्योरेंस कवर LIC के साथ में चलता रहेगा। टोटल कितना प्रीमियम रमेश ने पे किया है जीवन उमंग में, जीवन उमंग में अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो रमेश ने टोटल जो प्रीमियम पे किया है 6,07,054 रुपए, 6,07,054 रुपीज टोटल अमाउंट पे किया रमेश ने। वहीं पर जीवन उमंग प्लान में रमेश ने कितना पे किया था, 5,16,000 रुपए, और यहां पर जीवन उत्सव में 6,07,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं दोनों में प्रीमियम का भी फर्क है। अब बात आती है दोस्तों कि डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा। जीवन उत्सव में 5,16,000 पे किया और जीवन उमंग में 6,07,000 रुपए पे किया। अब डेथ अगर कस्टमर की 60 साल पर होती है तो जीवन उमंग में कितना मिलेगा और जीवन उत्सव में कितना मिलेगा, आइए समझते हैं। कस्टमर की डेथ अगर जीवन उत्सव प्लान में हो जाती है 60 साल की एज पर, तो नॉर्मल डेथ पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, गारंटीड एडिशन कितना मिलता है, 40 रुपीज पर 1,000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, राइट। कितने साल तक, जितने साल का पॉलिसी टर्म है, तो पॉलिसी टर्म कितने साल का है, 15 साल का, राइट। तो 40 रुपीज पर 1,000 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए, चूंकि सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो 5 लाख का 40 रुपीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो यह बैठता है टोटल 3 लाख। तो 3 लाख गारंटीड एडिशन हो जाता है और सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख। तो अगर कस्टमर की डेथ नॉर्मल होती है जीवन उत्सव प्लान में तो उसके नॉमिनी को कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए। और अगर कस्टमर की डेथ एक्सीडेंटल होती है तो 5 लाख बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड 5 लाख प्लस 3 लाख गारंटीड एडिशन, तो 5 + 5 + 3 इक्वल टू 13 लाख। तो 13 लाख उसको मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ पर। तो यानी कि अगर जीवन उत्सव प्लान में कस्टमर की डेथ 60 साल पर होती है तो नॉर्मल डेथ पर 8 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पर 13 लाख रुपए। वहीं पर जीवन उमंग में अगर कस्टमर की डेथ 60 साल पर होती है तो उसके नॉमिनी को 14,76,000 नॉर्मल डेथ पे और 19,76,000 एक्सीडेंटल डेथ पर। ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जीवन उमंग में 14,76,000 नॉर्मल डेथ पे मिलेगा और जीवन उत्सव में सिर्फ 8 लाख मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ पर 19,76,000 रुपए यानी कि लगभग 20 लाख रुपए जीवन उमंग में मिलेगा और 13 लाख रुपए सिर्फ जीवन उत्सव में मिलेगा। अब अगर इसी एग्जांपल को हम 70 साल की एज पर लेते हैं तो 70 साल पर अगर कस्टमर की डेथ जीवन उत्सव प्लान में होती है तो सिर्फ 8 लाख मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर भी 8 लाख मिलेगा। वहीं पर जीवन उमंग में 70 साल की एज पर अगर कस्टमर की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को नॉर्मल डेथ पर 22,46,000 रुपए मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर 22,46,000 रुपए मिलेगा, राइट। और वहां पर कितना मिल रहा है जीवन उत्सव में, सिर्फ 8 लाख। तो जीवन उत्सव में 70 साल की एज पर अगर कस्टमर की डेथ होती है तो उसको 8 लाख रुपए मिल रहा है और जीवन उमंग में 22,46,000 रुपए मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों प्लान के उद्देश्य अलग अलग है, दोनों प्लान अलग अलग पर्पस से बनाए गए हैं। जिसको लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर चाहिए ताकि वो चाहता है कि उसका इंश्योरेंस कवर हर साल इंक्रीज होता रहे तो वो जीवन उमंग प्लान में जा सकता है, और जिसको कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है,
वो जीवन उत्सव प्लान में जा सकता है। तो दोनों का ये डिफरेंस है। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है वो है, जीवन उत्सव प्लान में कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी 100 साल पर, जबकि जीवन उमंग प्लान में मैच्योरिटी भी मिलती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जीवन उमंग में दोस्तों 100 साल कंप्लीट होने पर कस्टमर को 58 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, 58 लाख 58 लाख रुपीज मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जबकि जीवन उत्सव प्लान में कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपैरिजन आपके सामने है, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होगा ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको कम समय तक इन्वेस्ट करना है वो जीवन उत्सव में जा सकते हैं, जिसको लंबे समय तक अपना इंश्योरेंस कवर चलाना है वो जीवन उमंग प्लान में जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आपका दिन मंगलमय हो और आप अपने सपने जरूर पूरे करें, आप MDRT COT TOT जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।